तख्तगढ़ में नगर पालिका चुनाव मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुए। तख्तगढ़ नगर पालिका आम चुनाव को लेकर गुरुवार को 25 वार्डों से मैदान में उतरी भाजपा, कांग्रेस, एनसीसी सहित निर्दलीय कुल 101 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में पिटारे में बंद हो गया। सभी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया, जिसका 31 जनवरी को 101 प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलने के साथ भाग्य का फैसला भी होगा, जिसमें 101 प्रत्याशियों में से 25 प्रत्याशी वार्ड पार्षद बन के आएंगे नगर पालिका में तथा बाकी के 76 पार्षदों का होना पड़ेगा। इस पालिका निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस युवक भाजपा ने एड़ी से चोटी का पूरा जोर लगा दिया है। वह भाजपा के विधायक जोराराम कुमावत व कांग्रेसी रंजू रमावत पिछले 10 दिन से पकड़कर नगर में डेरा लगाए बैठे रहे। दोनों पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। आम चुनाव को लेकर नगर में बने 26 बूथों पर सवेरे शीतलहर के साथ मतदाता उत्सव देखा गया। वह 1 बजे तक 48-42% मतदान हुआ। वही 25 वार्डों में वार्ड संख्या 10 पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। वार्ड संख्या 12 में सुबह 8 बजे से लगकर 40 मिनट तक वोट देने की मशीन खराब का मैसेज आने लगा तो कुछ लोग वापस भी चले गए। 40 मिनट के बाद मशीन दूसरी लाइन, तब जाकर मतदान शुरू हुआ। तख्तगढ़ नगर पालिका परिषद चुनाव आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। राजकीय पंजाब केसरी हाई स्कूल व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अंशदीप व जिला SP कालूराम ने मतदान केंद्रों पर जायजा लिया। ये थी तख्तगढ़ पाली से बरकत खान की रिपोर्ट।